Hello! Finally! Welcome to Korea! Hi, कैसे हो? तो गाइस फाइनली पू मिल चुकी है। आज ही कोरिया आया हूँ, आज क्या खिला रहे हैं? Korean taste. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो गाइस आज का vlog start कर रहा हूँ सीधा हांगकांग से। अभी पहुँचा हूँ, लास्ट लोग मैं दिखा पाऊँ, मैं दिल्ली से निकला था साउथ कोरिया के लिए, तो अभी हांगकांग पहुँचा हूँ यहाँ पे, और 4 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है साउथ कोरिया की, तो 4 घंटे मुझे यहीं पे वेट करना है एयरपोर्ट पे। तो फिर आ गए यहाँ पे बिजनेस क्लास लाउंज में, तो यहीं पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और घूमेंगे थोड़ा एयरपोर्ट वगैरह, और फिर निकलेंगे सीधा साउथ कोरिया के लिए। दिन की फ्लाइट है 2 बजे की, तो बस काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे तो भाई साउथ कोरिया जाने की। वहाँ पे पूरी इन कोरिया से मिलेंगे, 3-4 दिन घूमेंगे मस्त, और आप लोग को भी दिखाऊंगा कैसा है साउथ कोरिया। मेरे सामने है पूरा एयरपोर्ट का व्यू, यहाँ से पहाड़ भी दिख रहे हैं देखो। तो खाने में देखते हैं क्या क्या है। ये तो एग है यार, ये भी नॉन वेज है, जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकता हूँ मैं, और यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह हैं, दलिया भी है। तो सबसे पहले मैं दलिया ही ले आया। अब 4 घंटे तक यहीं हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, पहले दलिया फिर और चीज़ें ट्राई करेंगे। गाइज मैं अकेले में ना उतना कॉन्फिडेंटली ब्लॉग नहीं कर पाता, बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई टोक ना दे, कि कोई अनकंफर्टेबल ना हो जाए कोई कैमरे में आने से ना। तो जहाँ पे लोग ना हो ना, मैं वहाँ पे शूट करता हूँ ज़्यादा से। यहाँ पे अभी कोई नहीं है ना, तो मैं अच्छे से शूट कर रहा हूँ। चलो भाई दलिया तो खा लिया, अब कुछ और ट्राई करते हैं। तो अब मैं ले रहा हूँ फ्रूट्स और जूस। तो गाइस एडिटिंग के लिए बैठ जाता हूँ यहाँ पे, ऐसे कैबिन टाइप के बने हुए हैं, इसके अंदर बैठ सकते हैं, बस कुछ भी काम करना हो तो। बट गाइस एक दिक्कत हो गई है, ये चार्जर लग ही नहीं रहा। एडिटिंग के लिए जगह तो मस्त हो गई, एडिटिंग कर भी लूँगा, लेकिन चार्जिंग के लिए चार्ज कैसे करूँगा, ना फ़ोन चार्ज कर सकता ना लैपटॉप चार्ज कर सकता। ये देखो यहाँ पे टाइप सी मिल गया, यूएसबी मिल गया, तो यहाँ से चार्ज कर सकता हूँ मैं। बट यहाँ पे ना वो कंफर्टेबल सीट नहीं है, बट कोई बात नहीं, अपने काम करने से मतलब है। भाई मैं तो जैकेट निकाल रहा हूँ, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, अब सही ठंड नहीं लगेगी। और गाइस यहाँ पे ना ड्रिंकिंग वाटर कुछ ऐसे मिलता है, देखो यहाँ पे गिलास भी है, यहाँ से गिलास निकालो अपना, एक गिलास निकलेगा, यहाँ पे रखो, इसे दबा के रखो, पीने के बाद यहाँ डाल दो ऐसे। तो ये मस्त एरिया है पानी पीने के लिए, तो कितना मस्त है। तो मेरी फ्लाइट ये रही गेट नंबर 66। गाइस मैं पिछले 1 घंटे से एयरपोर्ट पर घूम रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये, कि मतलब मेरे को अपना गेट ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने पूछा किसी से, वो कह रहे हैं कि ट्रेन से जाओ, यहाँ पर ट्रेन चलती है एयरपोर्ट के अंदर, तो उससे जाना पड़ेगा। तब जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ ट्रेन की तरफ, ट्रेन पकड़ूंगा गेट की तरफ जाने के लिए। मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट है, गेट पे जाने के लिए भी ट्रेन से जाना पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ से मिलेगी मुझे ट्रेन, अब ये प्लेटफॉर्म में पहुँच गया, ये खुलेगा। चलो भाई ट्रेन आ गई है, यहाँ बैठने का नहीं होता और ये फ्री है एकदम। तो ट्रेन से बाहर आ गया हूँ, अब चलते हैं ऊपर गेट की तरफ, अभी और चलना है भाई। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब यहाँ 500 से ज़्यादा गेट हैं। पहुँचने वाला हूँ गेट पे, 66 नंबर है। फाइनली 1 घंटे के बाद पहुँच गया हूँ मैं अपने गेट पे। तो गाइस अभी बैठ गया हूँ इस टेबल पे, यहाँ पे देखो सामने प्लेन है हमारा, रेडी हो रहा है मस्त। और ये देखो यहाँ भी चार्जिंग के हैं, वो भी 3-3 टाइप सी भी है, यूएसबी भी है, और ये वाला भी है वायरलेस चार्जिंग भी है, इसके फ़ोन रख दो चार्ज जाएगा मस्त। फाइनली अब जा रहा हूँ प्लेन में साउथ कोरिया के लिए, एक ड्रीम पूरा होने वाला है साउथ कोरिया जाने का। फाइनली प्लेन में आ चुका हूँ, ये रही अपनी सीट, सारा सामान डाल दिया ऊपर, सेम कल वाली है। ओ ये तो ऐसे घूम रही है देखो, मस्त लग रही है भाई। ये लग ही नहीं रहा मैं प्लेन में बैठा हूँ भाई, देखो इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन आ गया है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा प्लेन में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी ऑफिस में बैठा हूँ। क्या मस्त सेटअप है यहाँ पे पूरा, ये देखो क्या मस्त सीट है, सोने वाली सीट, और इधर देखो कैबिन, सबके कैबिन बने हुए हैं मस्त। अभी सभी आ रहे हैं, सभी बैठ रहे हैं अपने अपनी जगहों पे, बट विंडो सीट नहीं मिली आज भी। गाइस मेरे को तो लग रही है भूख, बिकॉज मैंने सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खाए थे, दलिया खाया था, उसके बाद कुछ खाया भी नहीं। थैंक यू, फिलहाल जूस पीते हैं, बस खाना आ जाए, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़ भाई, बहुत ज़्यादा तेज़। अभी हमें हांगकांग में, हांगकांग से जाना है सोल। गाइस इसका कैमरा देखो कितना मस्त है, ये हमारे प्लेन का टॉप व्यू है, और ये फ्रंट व्यू है देखो नीचे का, क्या मस्त क्वालिटी आ रही है देखो, मस्त दिखेगा आप, इस एंगल से दिखाऊंगा आज आपको। चल पड़ा, तो फाइनली गाइस पहुंचने वाले हैं साउथ कोरिया, बस 10-15 मिनट रह गए, लैंड करने वाला हमारा प्लेन। लेकिन जो मेरे साथ में हुआ है ना आज प्लेन में भाई, मतलब सब जगह नॉन वेज की स्मेल, सारे खा रहे, सारे मतलब बगल में सब नॉन वेज खा रहे, मेरे को भी कह रहे तन के अजीब चीज़ें नाम बता रही है, खाओ ये खाओ, इतना अजीब सा लगा मुझे स्मेल से ही, मतलब अजीब सा मूड सा खराब हो गया। मैंने कुछ खाया भी नहीं भाई, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं फिर भी मैंने कुछ नहीं खाया, बिकॉज कुछ था ही नहीं ऐसा, मतलब वेज था ही नहीं भाई। तो बस अब साउथ कोरिया पहुँच के पू को बोलूँ कुछ अच्छा खिला दो, और अभी तक वही स्मेल आ रही है यहाँ पे, तो वो मेरे को लग रही है स्मेल, बट इनको लग रही है, इनके लिए तो वो डेली खाते हैं, बट वो मुझे लग रही है मतलब ख़राब नहीं है, इनके लिए तो सही है। अभी ना ये फॉर्म मिला है, तो साउथ कोरिया पहुँच के ये फॉर्म फिल करके देना है उनको, कि भाई हम कहाँ रुक रहे हैं, सब कुछ मेरा ऐसा लग रहा है ड्रोन उड़ रहा है। अब मिलेंगे पू इन कोरिया से, फाइनली अब चलते हैं बाहर। गाइस यहाँ पहुँच के तो अलग ही फीलिंग आ रही है, पू मेरा बाहर ही वेट कर रही है,
तो अभी अभी इमिग्रेशन का टाइम लगेगा थोड़ा बाहर निकलने में एक घंटा लग जाएगा। अभी फॉर्म वगैरह सबमिट करना है, इमिग्रेशन करना है, तो टाइम लग जाएगा। मेरे को प्यास लग रही है पानी पीना, लेकिन पानी कैसे आता है समझ में नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ किसी से पूछ लेता हूँ। इसके आगे खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे 2 दिन ट्रैवल करने के बाद फाइनली पहुँच चुका हूँ कोरिया। कल सुबह निकला था मैं हल्द्वानी से और अब पहुँचा हूँ रात को। बट काफ़ी मस्त वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि मिलने वाले हैं पूसे पुइन कोरिया से। इमिग्रेशन की लाइन देखो भाई, कितनी लंबी लाइन है इमिग्रेशन की। अब यहाँ पे 1-2 घंटे लगेंगे मेरे। तो गाइस मैंने फॉर्म भर दिया यहाँ पे, अभी देना है बस, पता नहीं कब नंबर आएगा। चलते हैं गाइस। मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा था, मैंने चेक किया, इसमें वेज बर्गर है ही नहीं भाई, सारे नॉन वेज है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के। इतने सारे बर्गर रखे हैं, एक वेज भी रख लेते। हेलो, फाइनली वेलकम टू कोरिया। हाय, कैसे हो? अब जा रहे सीधा होटल। हम बस से जाएंगे कैब से? कैब से। और येलो, आपको दिख रही है वो येलो बत्ती? अभी अभी रेड लाइट है। ये मस्त है यार, आपको पता है इसे क्यों लगा रखी है? क्यों? लोग फोन देखते हैं ना इसे। अच्छा, फोन देखते हैं इसलिए नीचे लगा रखी है। अच्छा, फोन देखते देखते रुक जाते हैं। ये सही है, अभी रेड लाइट है, अभी हम नहीं जा सकते, अभी रेड लाइट है ना। तो गाइस यहाँ से हमारा होटल है 70 किलोमीटर, तो अराउंड 1-1.5 घंटा लग जाएगा हमको पहुँचने में। फाइनली होटल पहुँच गए। यहाँ से इसको बंद ही रखते भाई, यहाँ से खोलने नहीं देते। उतरना है तो यहीं से उतरना पड़ेगा, यहाँ से उतर ही नहीं सकते भाई। ये वाला होटल है हमारा, तो रूम कीज मिल गई है। तो ये हमारा कोरिया में रूम जहाँ हम रुकेंगे 3 दिन तक। एक नॉर्मल सा बेड है यहाँ पे, नॉर्मल सा रूम है सब कुछ। तो ये वॉशरूम है, यहाँ बाथटब है। अच्छा, फ्लश यहाँ पे है, देखो इसको दबाओगे अब फ्लश हो जाए। भाई इतने सारे बटन लगे हुए हैं, सबसे डिफरेंट तरह की फ्लश होती है। बट यहाँ पे जेट नहीं होता, टिश्यू पेपर यूज़ करने पड़ते हैं यार। ये सबसे बेकार चीज़ लगती है मुझे, सबसे बेकार। और रूम में इतना बड़ा टीवी है ना, ये देखो भाई। तो भी गाइस रात को हम निकल गए खाने की तलाश में, बहुत भूख लग रही है। क्या खिला रहे हो? आपको स्पाइसी नूडल्स खिलाऊंगी, वो भी कन्वीनियंस नूडल्स ही खिलाएंगे। भाई रोटी सब्जी तो मिलेगी नहीं यहाँ पे, तो नूडल्स ही खाने पड़ेंगे। बट कल खाएंगे हम मस्त मस्त खाना। तो भी आ गए स्टोर के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे नूडल्स हैं। तो वेज वाले कौन से हैं? यहाँ पर अंगूर ले लेता हूँ, चलो ये ट्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ थोड़े से। सबसे पहले चीज डालते हैं। आज ही कोरिया आया हूँ, आज क्या खिला रहे हैं? पता, फ्लाइट में मेरी हालत खराब हो गई थी जी, इतनी स्मेल आई मुझे। चलो भाई रेडी हो गया डिनर, देखते कैसा है। मैं पहली बार खाऊंगा ये वाले नूडल्स। तो गाइस डिनर हो चुका है, थैंक यू, बहुत मस्त हो रहा था। लेकिन कल नहीं खाऊंगा ये सब। गाइस आज मैं लाइफ में पहली बार अपनी एडिटिंग करा रहा हूँ किसी से, वो भी देखो पू से। मतलब कुछ काम कराना था जो कि इसको आता है आईपैड में, तो ये कर रही है अभी। पू इन कोरिया एडिटिंग माई वीडियो इन कोरिया। कभी सोचा था जिंदगी में नहीं कि मेरी वीडियो एडिट करोगे, वो भी कोरिया में ही। गाइस यहाँ वाईफाई की स्पीड देखो भाई कितनी ज्यादा है, और अपलोडिंग तो इससे भी ज्यादा है। तो गाइस रात के 2 बजने वाले हैं फाइनली। अब भाई बाय, एनी टाइम आ जाओ, बिकॉज सोना भी जरूरी है। अभी बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, लेकिन थैंक यू एडिट करने के लिए। अब मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, ओके बाय 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 बाय। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं साउथ कोरिया के, तो देखना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो अभी चेक इन करते हैं, ऐसा लग रहा है आप मेरे मैनेजर हो।